एवरीवन, आपका स्वागत है टारगेट विद केसीएस में। तो हम बात कर रहे थे ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी श्रृंखला में हमारा टॉपिक चल रहा था ज्वालामुखी। हमने आपको बताया कि ज्वालामुखी का उद्गार किस कारण होता है, ज्वालामुखी के उद्भेदन के कितने प्रकार है, ज्वालामुखी कितने प्रकार का होता है और ज्वालामुखी का विश्व वितरण क्या है। ठीक है, इसके विषय में हमने डिटेल से बात की थी। जैसे कि हमने आपसे कहा था कि इससे रिलेटेड हम आपसे क्वेश्चन करेंगे और किसी कारणवश भूल गए थे, हमने आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ पाए थे। चलिए आज हम आपसे टॉपिक के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे जिनका आपको आंसर देना पड़ेगा। तो बात करते हैं ज्वालामुखी के बारे में, जो हमने आपसे बात की थी उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। ज्वालामुखी से निर्मित स्थलाकृतियां, ज्वालामुखी का जो निर्माण होता है तो उससे जो स्थलाकृतियां बनती हैं, ज्वालामुखी के निर्माण से जो स्थलाकृतियां बनती हैं, वो स्थलाकृतियां कौन कौन सी होती हैं, इसके बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमने जैसा कि आपको बताया ज्वालामुखी में जो उद्भेदन होता है वो दो प्रकार से होता है। एक तो हमारा दरारी उद्भेदन था, दूसरा केंद्रीय उद्भेदन था। जो केंद्रीय उद्भेदन होता है वो जोरदार होता है, जबकि जो दरारी उद्भेदन होता है वो शांत उद्भेदन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दरार के माध्यम से हमारा तरल लावा धीरे धीरे भूपृष्ठ पर प्रकट होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारा लावा था या जो हमारा मैग्मा था वो पृथ्वी की सतह तक नहीं आ पाया, किसी कारण पृथ्वी के अंदर यानी हमारे भूपृष्ठ के अंदर ही बना रह गया। बना जब लावा हमारे भूपृष्ठ के अंदर बना रहा तो उसने वहां पर भी किन्हीं स्थलाकृतियों का निर्माण किया। तो आज हम बात करेंगे कि जब लावा हमारा बाहर आता है तो किस प्रकार की आकृति बनाता है, और जब अंदर रहता है पृथ्वी के अंदर यानी हमारे भूपटी के अंदर रहता है तो किस प्रकार की आकृति बनाता है। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं ज्वालामुखी से निर्मित स्थलाकृतियां दो प्रकार की होती है। अच्छा, जो बाहर नहीं आ पाता उसका कारण होता है जब हमारे लावे को यानी जब हमारे मैग्मा को पर्याप्त मात्रा में जलवाष्प नहीं मिल पाती है। जब जलवाष्प कम मात्रा में मिलती है तो ये भूपटी को तोड़ नहीं पाता है, अतः अंदर ही सिमट कर रह जाता है। जब ये पर्याप्त मात्रा में जलवाष्प इसको उपस्थित जलवाष्प मिल जाती है तो ये हमारे भूपटी को तोड़ देता है और सतह तक आ जाता है। चलिए तो हम बात कर रहे थे सबसे पहले जो हमारी ज्वालामुखी से निर्मित स्थलाकृतियां वो दो प्रकार की हैं। पहली आंतरिक, सबसे पहले हम बाह्य स्थलाकृतियों की बात करेंगे। बाह्य स्थलाकृतियां आंतरिक स्थलाकृतियां, आंतरिक स्थलाकृतियां बाहर आ जाता है तो अगर जिस तरह से स्थल की आकृति यानी आकार बनाता है उसे बाह्य स्थलाकृति कहते हैं, और अंदर जमा होने के बाद जिस प्रकार की आकृति को धारण करता है उसे आंतरिक स्थलाकृतियां कहते हैं। ठीक है, तो बाह्य स्थलाकृतियों को भी दो भागों में डिवाइड किया गया। सबसे पहले अगर हम सबसे पहले बात करें तो एक तो हमारा दरारी उद्भेदन है। दरारी उद्भेदन से किस तरह की आकृति बनती है, और दूसरा हमारा केंद्रीय उद्भेदन से। केंद्रीय उद्भेदन से, ठीक है, समझ में आ गया होगा, इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहले हम दरारी उद्भेदन की बात करें। दरारी उद्भेदन से हमारा क्या निर्माण होता है, जैसे ध्यान से देखना है, हम आपको बता भी चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, हमने आपको डिटेल में बताया था। जैसे ये हमारी कोई चट्टान थी, ये हमारी चट्टान थी, इसमें क्या हो गया, इसमें एक दरार पड़ गई। जैसे हम मान लेते हैं ये दरार पड़ गई, दरार पड़ने के बाद ये हमारी चट्टान इस तरह विभाजित हो गई, ये ए और ये बी, दोनों क्या हुआ, दोनों ने अलग अलग दिशा में गति करना शुरू कर दिया।
जिससे अंदर का मैग्मा आया और आने के बाद क्या हुआ, हमारे इस रास्ते से आया ना, ये जो इसका मुख हो गया, ये क्या हो गया, मुख हो गया। ध्यान से देखना, ये मुख हो गया और ये हो गई नली, जिसके माध्यम से ज्वालामुखी यानी हमारा मैग्मा बाहर आया, तो इसे कहेंगे नली और इस मुख को कहेंगे क्रेटर या बीवर। क्रेटर या बीवर, ठीक है, जिस रास्ते से आया और आने के बाद क्या हुआ, इस तरह क्षैतिज चादर के रूप में जमा हो गया, क्षैतिज चादर के रूप में जमा हो गया। तो इस तरह किसका निर्माण होता है, पठार का। किसका निर्माण होता है, पठार का। समझ में आ गया होगा, यानी जो तरारी उद्भेदन से हमारे किस तरह की स्थलाकृति बनती है, पठार बनते हैं। कारण, पठार बनने के कारण क्या है, कारण है हमारा लावा कैसा होता है, लावा अधिक तरल होता है। चलिए किस तरह, वो भी हम आपको बताते हैं। जैसे आप सभी के घर में पानी होगा, हम एक गिलास पानी लें और उसे ऐसे ही गिरा दें, तो पानी हमारा क्या होता है, क्या एक ही जगह गिरा रहता है, नहीं, समान भूभाग में यानी जितनी उसकी मात्रा होगी वहां तक फैलता हुआ चला जाएगा, ठीक है। वैसे ही लावा के साथ भी होता है, यानी क्षैतिज चादर के रूप में ये फैलता चला जाता है, क्षैतिज चादर के रूप में फैलता हुआ चला जाता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं केंद्रीय उद्भेदन से, ठीक है, केंद्रीय उद्भेदन से हमारी किस तरह की आकृतियां बनती हैं, ठीक है। तो केंद्रीय उद्भेदन से, चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं इसको। जैसे मान लेते हैं ये हमारी भूपर्पटी है, क्या है, भूपर्पटी, ठीक है। जिसकी मोटा ये, इसमें अंदर से क्या हुआ, ये हमारा स्टेनोस्फीयर है, स्टेनोस्फीयर जिसे हम क्या कह सकते हैं, मेंटल। मेंटल से क्या हुआ, इस नली के माध्यम से, ध्यान से देखना, इस नली के माध्यम से यहाँ लावा आया और आने के बाद उसने क्या किया, इस तरह इकट्ठा हो गया, यानी इस तरह की आकृति धारण कर ली। ध्यान से देखना, इस तरह की आकृति धारण कर ली, यानी जो छोटा रूप होता है वो हमारा क्या कहलाता है, शंकु कहलाता है। क्या कहलाता है, शंकु कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है, शंकु कहलाता है। और लगातार जब ज्वालामुखी की क्रिया होती रहती है तो यही हमारा क्या होता है, नली ऊपर बढ़ती चली जाएगी, जिस तरह लावा आएगा और इस तरह से क्या बन जाएगा, इसका निर्माण हो जाएगा, पर्वत का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा, पर्वत का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर बात करें बाह्य स्थलाकृतियां, ठीक है, बाह्य स्थलाकृतियों में केंद्रीय उद्भेदन, हम पढ़ किसे रहे हैं, आंतरिक उद्भेदन को पढ़ चुके हैं, केंद्रीय उद्भेदन के आधार पर किसका निर्माण हुआ, शंकु का। और ये शंकु अलग अलग तरीके के होते हैं, शंकु अलग अलग प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेंडर शंकु की, शंकु, ठीक है, यानी ज्वालामुखी से निर्मित या लावा से निर्मित, लावा से निर्मित पर्वत का छोटा रूप, पर्वत का छोटा, ठीक है। तो इसी में हमें सबसे पहले बात करेंगे सिंदर शंकु की, किसकी बात करेंगे, सिंदर शंकु, ठीक है। जैसे होता क्या है, ज्वालामुखी की क्रिया हुई, किसकी क्रिया हुई, ज्वालामुखी क्रिया हुई, और ज्वालामुखी की क्रिया में सिर्फ और सिर्फ, ध्यान से सुना, ज्वालामुखी क्रिया से होने वाले उद्गार में यदि हमारे चट्टानों के टुकड़े, यानी अगर हम बात करें पायरोक्लास्ट की मात्रा अधिक है, पायरोक्लास्ट की मात्रा अधिक है, तो ऐसे शंकु को क्या कहा जाएगा, सिंदर शंकु। क्या कहा जाएगा, सिंदर शंकु। किसे कहा जाएगा, पायरोक्लास्ट
यानी जिसमें चट्टानी टुकड़े चट्टान के टुकड़ों की मात्रा अधिक हो, पायरोक्लास्ट की मात्रा अधिक। क्लियर? तो जिनमें पायरोक्लास्ट की मात्रा अधिक होती है ऐसे शंकु क्या कहलाते हैं? सिंद्र शंकु कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम दूसरे तरह शंकु की बात करते हैं। दूसरे शंकु आता है हमारा मिश्रित शंकु। क्या कहते हैं? मिश्रित शंकु। मिश्रित शंकु किसे में डाल लेते हैं? जैसे ये क्या है? भूपर पट्टी। अंदर से नली से माध्यम से लावा हमारा बाहर आया, आने के बाद जैसे ये नली है, नली से आने के बाद उसमें क्या हो गया? ध्यान से देखना है, ये हमारे क्या है? चट्टान के टुकड़े। ठीक है, ये चट्टान के टुकड़े हैं और चट्टान के टुकड़ों के साथ साथ ये देख रहे होंगे हम, दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा। यानी हमने देखा कि इसमें क्या है, अगर हम इसकी बड़े बड़े जो आपको गोले जैसे दिख रहे हैं ये है चट्टान के टुकड़े, चट्टान के टुकड़े, और जो इस तरह से हमें दिख रहा है ये हमारा क्या है? लावा। ठीक है, अगर ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों में, अगर ज्वालामुखी के लावे से निकलने वाले पदार्थों में पायरोक्लास्ट तथा लावा की समान परतें बन जाती हैं, समान परतें बन जाएं, तो ऐसा हमारा शंकु क्या कहलाता है? देखो, इसने आकार किसका लिया? आकार तो शंकु के ही आकार का है। ये तो ऐसा जो हमारा शंकु होता है वो क्या कहलाता है? मिश्रित शंकु। ऐसे शंकु को हम क्या कहते हैं? मिश्रित शंकु। समझ में आ गया होगा, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, सिंद्र शंकु पायरोक्लास्ट की मात्रा जिसमें अधिक होती है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आगे। तीसरा जो होता है हमारा परपोषित शंकु। क्या होता है? परपोषित, जैसा कि नाम में ही छुपा हुआ है, परपोषित। यानी ये जो शंकु बन रहा है इसका क्या होगा? ये दूसरों के द्वारा इसका निर्माण होता है, यानी पालन पोषण होता है। कैसे? ध्यान से देखना इसे भी। आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब ये क्या है? ये नली है, नली के माध्यम से लावा का क्या होता है? लावा ऊपर तक पहुंचता है, लेकिन जब ऊंचाई अधिक हो जाती है लावा ऊपर चढ़ नहीं पाता है, तो इसी नली से कई छोटी छोटी नलिकाएं विकसित हो जाती हैं। ठीक है, इसी नली से क्या होता है? कई छोटी छोटी नलिकाएं विकसित हो जाती है इस तरह से। ठीक है, अब किसका निर्माण करती है? किसका निर्माण कर देती है? इस तरह शंकु का निर्माण कर देती है, इस तरह से आकृतियां, यही इस तरह की आकृतियां बना देती हैं। इनका निर्माण कैसे हुआ है? मूल नली से हुआ है। किससे हुआ है? मूल नली से हुआ है, ज्वालामुखी की मूल नली से। मूल नली क्या हुई? उपनली में विभाजित हो गई और उपनली से ही लावा मिला है, जिससे अनेक छोटे छोटे शंकुओं का निर्माण हुआ है। ये शंकु क्या कहलाते हैं? परपोषित शंकु। पर मतलब दूसरों से, पोषित मतलब निकल
करने वाले, पोषण करने वाले, यानी इनका निर्माण किसी दूसरे से हुआ है, इसीलिए ऐसे संघ को क्या कहलाते हैं? परपोषित संघ। कारण, अधिक ऊंचाई होने के कारण लावा तरल था जिस कारण ऊपर तक नहीं जा पाया, फलस्वरूप जो नली थी उससे अनेक छोटी छोटी उपनदियों का विभाजन हो गया तथा कुछ छोटे परपोषित संघों का निर्माण हो गया, कुछ छोटे परपोषित संघों का निर्माण हो गया। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है यूएसए में, यूएसए में, यूएसए का एक ज्वालामुखी है माउंट सास्ता, याद करो हमने आपको लिखाया था माउंट सास्ता, बताया था ना, माउंट सास्ता से ही परपोषित संघों का निर्माण हुआ है जिसका नाम है माउंट सास्तेना। क्या निर्माण है, क्या किसका नाम है? माउंट सास्तेना। क्लियर, चाहो तो आप लिख सकते हो, यानी परपोषित संघ का निर्माण किससे हुआ है? मूल नली, जो हमारी मूल नली थी या मुख्य नली से उपनली, उपनली के कारण क्या हुआ? संघ का निर्माण हो गया। क्या हुआ? संघ का निर्माण हो गया। इसका एग्जांपल क्या है ये भी हम आपको लिखा देते हैं। यूएसए, यूएसए के माउंट सास्ता से निर्मित माउंट सास्तेना। ठीक है, चलिए अब आप ये सोच रहे होंगे इसका तो एग्जांपल मैंने लिखा दिया, आगे का नहीं लिखा है, चलिए हम आपको सब बता देते हैं। सिंडर शंकु, जो सिंडर शंकु है उसका एग्जांपल है, सिंडर शंकु का लिख सकते हो आप, यहाँ लिख लो मैक्सिको। चलिए ये साफ कर देते हैं, इसी के आगे लिखवा देते हैं, फिर आपको नेक्स्ट पेज से दिखाते हैं। ठीक है, मैक्सिको, क्लियर, मैक्सिको का नाम सभी ने सुना होगा, तो मैक्सिको का माउंट जोरलो, का माउंट जोरेलो, ठीक है, मैक्सिको का माउंट जोरेलो सिंडर शंकु का एग्जांपल है। अब इसके बाद आता है मिश्रित शंकु, मिश्रित शंकु का जापान का फ्यूजियामा, जापान का फ्यूजियामा, ठीक है, दोनों समझ में आ गए होंगे, दोनों समझ में आ गए होंगे, लिख लीजिए जल्दी से, लिखने का मतलब है इसके साथ कर लीजिए प्लीज फास्ट। चलिए अब आगे की बात करते हैं, तीसरा है हमारा छारी, ठीक है, तीसरा है हमारा छारी शंकु, इसी को कहा जाता है सील्ड शंकु। क्या कहा जाता है? सील्ड शंकु। सील्ड शंकु कैसे बनता है ये भी देख लीजिए, वही नली के माध्यम से, इस तरह से, यानी शंकु तो बनता है लेकिन कैसा होता है? छारी होता है। कारण क्या होता है? लावा में सिलिका की मात्रा कम होने के कारण, क्या होता है? लावा अधिक तरल होता है, लावा अधिक तरल होता है जिससे छारी शंकु या सील्ड शंकु का निर्माण हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, इसका एग्जांपल उपलब्ध नहीं है, चलिए समझ में आ गया होगा। अब दूसरा अगर हम बात करें तो छारी के बाद क्या हो जाएगा? अम्लीय शंकु, अम्लीय शंकु इसी को कहा गया है, शायद आपने इससे पहले इनके नाम भी न सुने हो। अम्लीय शंकु को ही कहा जाता है एसिड शंकु। क्या कहा जाता है?
लावा में सिलिका की मात्रा अधिक होने के कारण लावा में सिलिका की मात्रा अधिक होने के कारण लावा हमारा कैसा होता है, लावा अधिक गाढ़ा हो जाता है, लावा अधिक गाढ़ा होता है। ठीक है, जब सिलिका की मात्रा कम होगी, तो लावा हमारा तरल यानी पतला रहेगा, लेकिन जब लावा में सिलिका की मात्रा अधिक हो जाएगी तो लावा हमारा गाढ़ा हो जाएगा। जब गाढ़ा हो जाएगा तो क्या होगा, जैसे ही नली से निकलेगा, नली से निकलने के बाद उसी स्थान पर क्या होगा, उसका जमना शुरू हो जाएगा, और जमना शुरू होने के बाद ये क्या होगा, इस तरह की आकृति बना लेगा, क्योंकि यहीं पर जमना स्टार्ट, जमते हुए क्या होगा, इस तरह की आकृति बना लेगा। इसका एग्जांपल बहुत अच्छा है, आपने स्ट्रोम्बोली का नाम सुना होगा। स्ट्रोम्बोली कहाँ है, जल्दी से आंसर दीजिए। हम आपको बता चुके हैं, जैसे इटली का, इटली में स्ट्रोम्बोली, लिपारी द्वीप पर स्ट्रोम्बोली। ठीक है, समझ में आ गया होगा, चलिए अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट। ये तो संघों के प्रकार हो गए, अब आगे जो निर्मित होने वाली कुछ प्रमुख आकृतियां, आप इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए प्लीज, जल्दी करिए। कर लिया होगा, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, कालडेरा। इसकी बात करेंगे, कालडेरा, और कालडेरा के साथ साथ हम बात करेंगे क्रेटर, यहाँ बात करेंगे क्रेटर से निर्मित झील की। ठीक है, आपको ध्यान से देखना, जैसे ये हमारी भूपर्पटी थी, नदी के माध्यम से लावा आया और लावा ने क्या किया, जैसे इस तरह की आकृति बनाई, ध्यान से देखना, इस तरह की आकृति बनाई, इस तरह की आकृति बनने का मतलब है कि ये, ठीक, ये क्या हो गया, ये इसका मुख हो गया, हमारे ज्वालामुखी का, या हम कह सकते हैं ज्वालामुखी नली का मुख, जिसके माध्यम से ज्वालामुखी यानी हमारा लावा बाहर निकल रहा है, इसी को कहा जाता है क्रेटर। इसी को क्या कहा जाता है, क्रेटर, ठीक है। जब इसी क्रेटर के माध्यम से, लावा आ रहा था, इसमें क्या हुआ, बारिश हुई और बारिश का पानी चला गया, जिससे किसका निर्माण हो गया, क्रेटर था, बारिश का पानी चला गया, तो क्या बन गई हमारी क्रेटर झील, क्रेटर झील का निर्माण हो गया। समझ में आ गया होगा, क्रेटर यानी हम कह सकते हैं ज्वालामुखी, का मुख हमेशा क्या कहलाता है, क्रेटर कहलाता है। ठीक, समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे की कहानी, क्या हुआ कि अंदर से जो लावा आ रहा था, उसमें जलवाष्प की मात्रा और गैसों की मात्रा अधिक थी, जिस कारण जब वो बाहर की तरफ निकल रहा था तो उसने क्या किया, तेज धमाके से इसका मुख ही उड़ा दिया। क्या कर दिया, इसका मुख ही उड़ा दिया। आप देखिए अब कैसी रचना हो गई, इस तरह की रचना बन गई, दिख रहा होगा इस तरह की रचना, यानी जब तीव्र ज्वालामुखी के आने से ज्वालामुखी का मुख बड़ा हो जाता है तो उससे किसका निर्माण होता है, इसे कहते हैं कालडेरा। इसे क्या कहते हैं, कालडेरा कहा जाता है। जब इसमें जल बढ़ जाता है तो क्या कहा जाता है, कालडेरा झील कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कालडेरा झील कहा जाता है। कभी कभी क्या होता है, इसी इसके माध्यम से इसमें अनेक छोटे छोटे शंकु बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, इसके अंदर छोटे छोटे शंकु बन जाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, इन शंकुओं को कहा जाता है घोसलादार शंकु। क्या कहा जाता है,
घोसला दार शंकु, या इन्हीं को कहा जाता है कालडेरा शंकु। क्या कहा जाता है? कालडेरा शंकु। फिर से देख लीजिए, जब ज्वालामुखी के तीव्र विस्फोट से ज्वालामुखी का मुख बड़ा हो जाता है तो किसका निर्माण हो जाता है? कालडेरा का निर्माण हो जाता है। और जब यही प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, कालडेरा के अंदर भी यही प्रक्रिया जब चलती रहती है तो अनेक छोटे छोटे शंकुओं का निर्माण हो जाता है, जिन्हें घोसलादार शंकु कहते हैं या कालडेरा शंकु कहते हैं। कभी कभी क्या होता है, कालडेरा का मुख खुला रहता है, कालडेरा का मुख खुला रहता है, जिस कारण क्या होता है, जिस कारण इसमें जल भर जाता है तो क्या बन जाती है? कालडेरा झील बन जाती है। समझ में आ गया होगा? कोई दिक्कत? अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें तुरंत ही मैसेज कर सकते हैं, तुरंत ही कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा? समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं आगे। फिगर आप बना लीजिए, ठीक है, और उसमें लिख लीजिए कालडेरा क्या है। कालडेरा क्या है? तीव्र विस्फोट के कारण ज्वालामुखी का मुख बड़ा हो जाता है कालडेरा कहलाता है ठीक है। इसी के अंदर पानी जाने से कालडेरा झील तथा ज्वालामुखी की क्रिया के होने के से अनेक शंकु बन जाते हैं जिन्हें आपको आवाज सुनाई दे रही होगी, जिन्हें कालडेरा शंकु या इन्हें हम क्या कहते हैं? कालडेरा शंकु कहते हैं या घोसलादार शंकु कहते हैं? क्या कहते हैं? घोसलादार शंकु कहते हैं। दिखाई दे रहा होगा आपको, घोसलादार शंकु कहते हैं। ठीक है, लिख लिया होगा आप, इसे साफ कर सकते हैं इसको। चलिए हो गया, चलिए आगे बात करते हैं। ये तो थी हमारी कुछ स्थला प्रतियां जो विस्फोट होने के बाद यानी जो बाहर रूप में हमको दिखाई देती है, लेकिन कुछ ऐसी स्थला प्रतियां भी हैं जो हमें दिखाई नहीं देती है। कारण क्या है? लावा बाहर तक आ नहीं पाता है, लावा में जलवाष्प की कमी होने के कारण भूपर्पटी को तोड़ नहीं पाता है, बाहर तक नहीं निकल पाता है, जिस कारण भी अनेक आकृतियों का निर्माण होता है। चलिए बात करते हैं आंतरिक स्थलाकृतियां। किसकी बात करेंगे हम? आंतरिक स्थलाकृतियां। आंतरिक स्थलाकृतियां में सबसे पहले हम बात करेंगे बैथोलिथ की। किसकी बात करेंगे? बैथोलिथ की। ठीक है, देखो होता क्या है, जैसे ये हमारी भूपर्पटी है, ठीक है, मैग्मा चैम्बर, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से लावा उठता है, लेकिन जब जलवाष्प की कमी होती है तो क्या होता है, लावा यहीं कहीं जम जाता है, इस तरह से जम जाता है। आकृति आप देखे रहना, इस तरह से जम जाता है, यानी हमारी भूपर्पटी तक नहीं पहुंच पाता है। इस तरह की रचना ही क्या कहलाती है? बैथोलिथ। आकार आप बनाते रहना, ठीक है।
कारण क्या वैद्युत कब बनता है? जलवाष्प की कमी के कारण, जलवाष्प की कमी के कारण। कमी के कारण जब, ठीक है, जब लावा क्या करता है, जब लावा उठकर हमारा गुब्बारे नुमा आकृति बनाता है, गुब्बारे नुमा आकृति बनाता है, आकृति बना लेता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये क्रिया तो जमीन के अंदर होती है, तो क्या कहीं देखिए, यहाँ देखिए, रांची के पठार के अंदर जब अपर्दित हुआ तो उसके नीचे जो स्थलाकृति मिली थी वो इसी तरह की चट्टाने पाई जा रही थी, इसी तरह की चट्टाने, इसी तरह की आकृति पाई गई। इसे क्या कहा गया है? बैथोलिथ। क्या कहा गया? बैथोलिथ। अब बैथोलिथ के बाद हम बात करते हैं लैकोलिथ की। लैकोलिथ क्या है? तो ये आपने फिगर बना लिया होगा। चलिए इसी के साथ हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। जैसे ये हमारी भूपरपट्टी थी, ये हमारी क्या थी? भूपरपट्टी थी। जब लावा हमारा बाहर की तरफ आ रहा था तो किसी कारण क्या, जलवाष्प की कमी के कारण क्या हुआ, यही प्लेन रूप से यानी क्षैतिज चादर के रूप में फैल गया, क्षैतिज चादर के रूप में फैल गया। बाद में क्या हुआ, किसी कारण से एयर मिल गई यानी जलवाष्प मिल गया और उसने क्या किया, ये जो दो ऊपर की प्लेटें आपको दिख रही है, ऊपर की दो परत दिख रही है, तीन परत दिख रही है, दिख रही होंगी आपको, तो इसने क्या किया, इन दो परतों को, इन्हीं दो की बात कर रहे हैं, इन दो परतों को इसने क्या किया, इस तरह से उठा दिया। किस तरह से? इसे थोड़ा ऊपर बना देते हैं। उसने क्या किया, ये दो परतें, ये तीन परतें हमारी यहां से उठ जाती हैं, अब इस तरह से, क्योंकि इसमें एयर प्रवेश कर गई, और इसने क्या किया, इन प्लेटों को इस तरह से गुंबद नुमा रचना बना दी। समझ में आ गया होगा क्या हुआ, औसादी, जिन्हें हम औसादी चट्टान भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ, जब हमारी क्षैतिजी परतें थी, जलवाष्प उन्हें थोड़ा मिल गया, तो क्या हुआ, थोड़ा ऊपर की तरफ यानी उनकी गुंबद नुमा आकृति उन्होंने ग्रहण कर ली, तो यही गुंबद नुमा रचना क्या कहलाती है, लैकोलिथ। क्या कहलाती है? लैकोलिथ, यानी गुंबद नुमा, गुंबद नुमा, ठीक है। ये सब कहाँ होता है? पृथ्वी के सतह से नीचे। गुंबद नुमा रचना क्या कहलाती है? लैकोलिथ। क्या कहलाती है? लैकोलिथ। अब हम बात करते हैं तीसरा, लोकोलिथ की। किसकी बात करते हैं? लोकोलिथ की, ठीक है, लिख लिया होगा। ये सब होता किस कारण है? क्योंकि पर्याप्त मात्रा में जलवाष्प नहीं उपलब्ध था। अगर जलवाष्प उपलब्ध होता, जैसे उपलब्ध होती है, तो पृथ्वी किसी तरह टूट कर ये आकृतियां बाहर की तरफ आ जाती। तीसरा, हम लोकोलिथ की बात कर रहे हैं। जब लावा ऊपर की तरफ बढ़ा, लेकिन ऊपर की तरफ बढ़ने के बाद ये इस तरह की आकृति इसने बना ली, यानी बेसिन की आकृति इसने धारण कर लिया, कटोरा जैसी आकृति या तस्तरी जैसी आकृति इसने धारण कर ली। ऐसी भी हो सकती है, ठीक है, तो इसने क्या कर लिया, तस्तरी जैसी आकृति धारण कर ली, यही हमारी क्या कहलाई, लोकोलिथ। यानी कि हम बात करें तस्तरी नुमा रचना, तो आपने क्या देखा, बैथोलिथ किसे कहते हैं, गुब्बारे नुमा रचना, ठीक है। और एक चीज और, जो गुब्बारे नुमा आकृति वाला बना होता है, जो हमारा पैथोलिथ होता है, इसकी कभी तली नहीं मिलती, इसकी कभी तली नहीं मिलती। अगर कभी क्वेश्चन बनता है, ऐसी कौन सी रचना है आकृति रचना जिसकी तली का आभास कभी नहीं होता या तली कभी नहीं मिलती, तो वो है हमारा पैथोलिथ। समझ में आ गया, ठीक है। तो तस्तरी नुमा रचना क्या कहलाती है? लोकोलिथ, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आगे की, जब लावा नदी के माध्यम से
लावा नली के माध्यम से होता हुआ आ रहा था, ठीक है, किन्हीं कारण से क्या हुआ, वो क्षैतिज रूप से फैल गया, क्षैतिज रूप से फैल गया, दिखाई दे रहा होगा आपको, इस तरह से फैल गया, यानी समतल सपाट भाग में पृथ्वी के अंदर ही दरारों में प्रवेश कर गया, जो चट्टान थी चट्टानों के अंदर दरारें होंगी, दरारों के अंदर प्रवेश कर गया, ठीक है, दरारों के अंदर प्रवेश कर गया। किसकी रचना हुई, यही रचना हमारी क्या कहलाती है, सिल कहलाती है, क्या कहलाती है, सिल। जैसे आपने देखा होगा सबके घर में पहले सिल बट्टे होते थे, सिल बट्टे, तो सिल हमारे कैसे होते थे, पत्थर के होते थे ना, बिल्कुल प्लेन, तो वही ये हम कह सकते हैं कि जो कि जब हमारा लावा ऊपर की तरफ आ रहा था तो चट्टानों में क्या हुआ, चट्टानों के प्लेन भाग में क्या हुआ, लावा प्रवेश कर गया, रचना क्या कहलाई, सिल कहलाई, क्या कहलाई, सिल कहलाई। तो सिल किसे कहते हैं, क्षैतिजी रचना, क्षैतिजी रूप में लावा के प्रवेश बनी आकृति, समझ में आ गया होगा। इस तरह से ध्यान से देखना, जबकि इसके बाद सिल के बाद गाय का आएगा, दोनों में एक ही कारण होता है, दोनों एक ही तरह से बनती है, सिल क्षैतिज रूप में फैलता है जबकि डाइक ऊर्ध्वाधर रूप में फैलता है, डाइक हमारा ऊर्ध्वाधर रूप में फैलता है और कुछ नहीं होता है, क्षैतिज रूप में लावा के प्रवेश से बनी आकृति सिल कहलाती है जबकि ऊर्ध्वाधर रूप से लावा से बनी आकृति डाइक कहलाती है, समझ में आ गया होगा, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये थी हमारी आंतरिक स्थिति। अच्छा, डाइक के बारे में भी थोड़ा बता देते हैं कैसे, एक मिनट देखिए कैसे डाइक कैसे बनते हैं। जैसे ये हमारी कोई कठोर चट्टान थी, ये क्या थी, कठोर चट्टान थी, लावा से बनी थी, इसमें क्या हो गया, उसने इस तरह से रूप धारण कर लिया, क्षैतिज रूप से इस तरह से है। देखो समतल सपाट रचना है, कैसी है, समतल सपाट रचना है, लेकिन ये रचना कैसी है, ऊर्ध्वाधर है, ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर से नीचे जो रचना होती है वो क्या कहलाती है, डाइक, जबकि जो क्षैतिज रूप से रचना है वो क्या कहलाती है। अब आप समझ सकते हो ऊर्ध्वाधर ऐसे और क्षैतिज रूप से ऐसे, ठीक, समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा कुछ ज्वालामुखी आने से बनी स्थलाकृतियों के का निर्माण। चलिए अब हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन जो हमने कल आपको पढ़ाए थे उससे रिलेटेड है, कुछ आज से रिलेटेड। तो आपको हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर देना है, अफ्रीका में दरारी उद्भेदन, ठीक है, पहला क्वेश्चन है अफ्रीका में दरारी उद्भेदन के कारण किस पठार का निर्माण हुआ है। अफ्रीका में दरारी उद्भेदन हुआ था जिस कारण से महाद्वीप अलग हुए, तो किस पठार का निर्माण हुआ है, आपको आंसर कमेंट में आंसर देना है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, फिलीपींस में जो ज्वालामुखी आते हैं उनके नाम क्या क्या है, फिलीपींस में जो ज्वालामुखी, चलिए हम आपको लिख देते हैं एक सेकेंड। सबसे पहला अफ्रीका में दरारी उद्भेदन से, बने पठार का नाम, ठीक है, पहला क्वेश्चन आंसर देना है। दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है फिलीपींस में ज्वालामुखी, फिलीपींस के ज्वालामुखियों के नाम बताने हैं, ठीक है, ज्वालामुखियों के नाम क्या क्या हैं। तीसरा क्वेश्चन
जाडो, जिसके विषय में हमने आपको बताया था, ओजस डेल सलाडो। क्लियर? ओजस डेल सलाडो किस महाद्वीप में स्थित है, किस महाद्वीप में, तथा में, तथा किस देश में, तथा किस देश में स्थित है। ठीक है, किस देश में है। चौथा क्वेश्चन, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर को ज्वालामुखी व भूकंप, ज्वालामुखी के ही कारण, ज्वालामुखी आने के कारण किन किन नामों से जाना जाता है, किन किन नामों से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पांचवा क्वेश्चन है, हजार दुआरों की घाटी, हजार दुआरों की घाटी कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है। ठीक है, ये तो थे जो हमने कल आपको टॉपिक पढ़ाया था उससे रिलेटेड क्वेश्चन। अब आज से रिलेटेड भी आपसे दो क्वेश्चन हम आपसे कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा सातवां क्वेश्चन, जो कि बन जाता है गुब्बारे नुमा रचना को, गुब्बारे नुमा रचना को, गुब्बारे नुमा रचना को क्या कहते हैं, को क्या कहते हैं, लिख लिया होगा। ठीक है, आठवां क्वेश्चन है, आठवां क्वेश्चन है हमारा, जब लावा में, क्या हम कह सकते हैं, एक सेकंड, लावा में सिलिका की मात्रा, सिलिका की मात्रा अधिक होने के कारण, होने के कारण किस प्रकार का संघ का निर्माण होता है, किस प्रकार के संघ का निर्माण होता है। ठीक है, नौवां क्वेश्चन है आपके लिए, नौवां क्वेश्चन है आपके लिए, आइसलैंड, आइसलैंड के दो ज्वालामुखी, आइसलैंड के दो ज्वालामुखी के नाम बताने हैं। ठीक है, इसके अलावा दसवां क्वेश्चन है, किलिमंजारो, किलिमंजारो कैसा ज्वालामुखी है, कैसा ज्वालामुखी है। कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित में आपको क्या क्या बताना है, देश का नाम बताना है और इसके साथ साथ महाद्वीप का नाम भी बताना है। ठीक है, तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन। ठीक है, जो आपको दिख रहे होंगे बेहद अच्छे तरह से। ठीक है, तो लास्ट में आपसे यही कहना चाहेंगे कि हमारी बात को बहुत ध्यान से सुना करिए, आप लाइक करिए या नहीं करिए, लेकिन अधिक से अधिक जो वीडियोस हैं उन्हें आप शेयर करिए। ठीक है, और अधिक से अधिक चैनल सब्सक्राइब कराइए, इसका लाभ हमें नहीं मिलने वाला है, अरे इससे हमसे ज्यादा तो आपको इसका लाभ होने वाला है, क्योंकि लाइव क्लास अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी बहुत सी सोल्यूशन, आपकी बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम है जिनका सोल्यूशन आपको तुरंत मिल जाएगा। अगर हम अपनी किसी भी समस्या को अगर हम उसे लंबे तक खींचेंगे तो इससे दिक्कत हमें होगी, अगर हम उसका तुरंत ही सोल्यूशन ले लेंगे तो इससे फायदा हमें होगा ना। चलिए, तो हम यहीं पर अपनी बात को समाप्त करते हैं। थैंक यू, गुड नाइट।